कहीं भी उठा लेना। सलमान भाई कराची के एक लोकल कॉलेज में हो रहा है फुटसॉल टूर्नामेंट। नहीं, इस दफा कोई लड़के वड़के नहीं खेले, लड़कियों ने खुद ऑर्गेनाइज किया है। मतलब एक साइंस डिपार्टमेंट है और एक आर्ट्स डिपार्टमेंट। खुद ही लड़कियों ने ग्राउंड अरेंज किया, अपने उसको पूरी सफाई की, यहाँ से पत्थर उठाए, खुद ही गोल पोस्ट लगाए। वो देखे चलाओ फिर उठाओ। और खुद ही सब कुछ डेकोरेशन की है और सब रेडी है खेलने के लिए मैच। आइए मालूम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि ये सिर्फ एमी पैशन है, ये एक्चुअली आगे जाके कुछ बनना चाहती है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट। जब गेम खेला था, फुटसॉल का टूर्नामेंट है, तो क्या सब कुछ खुद ऑर्गेनाइज करी? मैं देख रही थी कोई बलून्स भी खुद लगा रहा था, नेट भी खुद ही लगा रहे थे। जी बिल्कुल, हम लोगों को अच्छा लगता है कि मतलब ये बलून्स वगैरह डेकोरेशन तो अच्छा लगता है, बंदा खेलता है तो खुशी होती है, इसलिए हम लोग खुद सब कुछ खुद करते हैं। घर वालों की फुल सपोर्ट है कि आगे जाओ और जीत कराओ। अच्छा, तो घर वाले कहते हैं पढ़ाई भी करो, ये भी करो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जैसे घर वाले तो हमेशा कहते हैं, चले आप कह रहे हैं कि सपोर्ट, क्या मोहल्ले में इधर उधर लोग थोड़ा बोलते हैं कि स्पोर्ट्स क्यों खिला रही है? इतना बिल्कुल भी नहीं। पापा बोलते हैं, बोलने तो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, उनकी कौन सुनता है। एग्जैक्टली ऐसे ही करना है कि जो भी बोले बोलना है, हमें कोई परवाह नहीं, हमें अभी खेलना है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। और आप आज का मैच जीतना है फिर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ग्रेट, गुड लक। लड़कियों के बारे में रेपुटेशन हो गई है कि भाई लड़कियां बस ऐसी मस्ती में खेलती है, आगे नहीं उनको जाना है, और आपके अंदर मुझे जज्बा लग रहा है, जाना है कि बस आगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह नेशनल प्लेयर बनना है। वेरी गुड, गुड लक, हाई फाइव। और जैसे ही हमारे तमाम मेहमान आने ग्रामीण तशरीफ लाते हैं, वैसे ही इंशाल्लाह हम मैच का आगाज कर देंगे। महवेश, मुझे पता है कि आप एज अ फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर, आप वो कहते हैं ना, लड़की को स्पोर्ट्स सिखा दो उसके अंदर से निकलेगा नहीं कभी। आई नो आप अभी खुद नहीं खेल रही, मगर आपने अपना पैशन, अपना जो भी टैलेंट है, अब इन लड़कियों में आप डाल रही हो, तो क्या हुआ? मतलब जब आपने ज्वाइन किया, आपको लगा कि लड़कियाँ इतना इनफ खेल नहीं रही, कि आपने शेप किया, क्या है स्टोरी आपकी और ये जो लड़कियाँ आज इतने पैशन से फुटबॉल खेल रही, मुझे बता आप इसके पीछे हैं। बिल्कुल, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो फुटबॉल का, इवन के पूरे कराची के कॉलेजेस या स्कूल्स में फुटबॉल का इतना पैशन था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि फुटबॉल लड़कियाँ भी खेलती हैं। तो मैंने यहाँ आके इंट्रोड्यूस कराया फुटबॉल और बच्चियों को बताया कि आप लोग भी खेल सकते हो। बच्चियों के पेरेंट्स की तरफ से या फिर उनकी तरफ से थोड़ा बहुत हेजिटेशन फील हुई कि नहीं हम नहीं खेल सकते, लेकिन मैंने उन्हें मैदान में उतारा और कहा कि आप लोग लड़कों से कम नहीं हो, आप लोग भी खेल सकते हो। तो इसी तरह प्रैक्टिस करवा के खेल खेल के अब वो इस स्टेज पे आ गई हैं कि अब वो कॉन्फिडेंस के साथ ग्राउंड में उतरती हैं और खेलती हैं। ग्राउंड जो है वो पूरी झाड़ियाँ थी, यहाँ कांटे थे, इसको पहले हम साफ़ करवाते हैं, फिर इसमें लाइनिंग करवाते हैं और पत्थर चुन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे छोटे पत्थर रह जाते हैं, तो सम टाइम बच्चियाँ खेलती हैं उन्हें पत्थर चुभते हैं या फिर कोई कांटे रह जाते हैं वो चुभते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड जो है वो एक अच्छे से प्रॉपर मार्किंग के साथ बने ताकि बच्चियाँ खेलें। हो सकता है इनमें से ही कोई एक बच्ची आगे जाके पाकिस्तान लेवल पे खेले और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। हमने जब भी प्रोग्राम किया है तो हमने हर एक से गुजारिश की है कि अगर हमें कोई ग्राउंड सही से बनवा के दे दे
तो हम बहुत मशहूर होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई मौका आए हम अपनी लड़कियों को, आजकल अगर लड़कियों को हरकत में लाना है तो स्पोर्ट्स सबसे अच्छी चीज़ है। क्या करती हो? स्पेस में खड़े होके पास मांगा करो। ये सारी मिडिल क्लास फैमिली से इनका बैकग्राउंड है, तो मेरे ख्याल से इन बच्चियों का हक है खेलने का, और अच्छी जगह पे खेलने का हक है, और इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो अगर कोई हमारा ग्राउंड अच्छे से बना देता है तो एक बहुत अच्छी फ्यूचर स्टार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके निकालना ठीक है। पहले तक यहाँ की लड़कियों को ये भी नहीं पता था कि लड़कियाँ फुटबॉल खेल सकती हैं, मगर एक कोच ने आके सब चीज़ें चेंज कर दी, और अब जिस तरह वो पासिंग कर रही है और जिस तरह गेम खेल रही है लग रहा है प्रोफेशनल्स हैं। अब इमेजिन मैविश जैसी कोचेज और मेंटर्स हर कॉलेज या स्कूल में हो लड़कियों के लिए, तो गेम चेंज हो सकता है।